हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग की डिवाइसेस में बैटरी को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कुछ सेटिंग्स को, जहां पर आप उन सेटिंग्स को अपने फ़ोन में चेंज करके सेव कर सकते हैं। यानी कि सैमसंग की कोई भी डिवाइस आपके पास है तो वो हर डिवाइस के लिए यही सेटिंग्स रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप उन सेटिंग्स को ज़रूर से ज़रूर अपने फ़ोन में कर लीजिएगा, ताकि आपके फ़ोन की बैटरी को इम्प्रूवमेंट आप लोग कर सकें। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, आप स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रखा है, यहाँ पर स्क्रीन पे ही जो होम स्क्रीन पे आपको टच करते रहना है और यहाँ पर विजिट्स पे आना है। विजिट्स पे मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे डिवाइस केयर पे आएंगे तो डिवाइस केयर पे आप ये देख पा रहे होंगे, डिवाइस केयर के लिए ये जो है विजिट है, इसको आप दोस्तों यहाँ पर अपने फ़ोन में ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको कर रखा है। इसको आप टाइम टू टाइम यहाँ से क्लीन करते रहें तो आपके फ़ोन का कोई भी कैच डेटा है तो वो जो है ऑटोमेटिक कैच हो जाएगा और फ़ोन की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट निश्चित आएगा। तो अभी मैं आपको दूसरी सेटिंग्स की तरफ लेके चलता हूँ। नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी आपको गैलेक्सी स्टोर ऐप दिख रहा है, इसको हमें ओके करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा मार्केटिंग चॉइस ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आपको एग्री नहीं करना। अगर यहाँ से आपने एग्री कर दिया तो गैलेक्सी स्टोर के जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो वो हमें यहाँ से कैंसिल करना है। तो इसीलिए यहाँ से इसको हटा के कैंसिल कर देना है। बाकी यहाँ से थ्री डॉट पे हम सेटिंग्स पे जाएंगे तो सेटिंग्स पे जाके भी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको हमें कर लेना है। जैसे कि अभी आप देखेंगे नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो नोटिफिकेशन पे हमें यहाँ से आप देखेंगे मैंने इसको ऑफ कर रखा है, तो इसको भी आपको नोटिफिकेशंस गैलेक्सी स्टोर पे आपको ऑफ रखना है। दूसरा, यहाँ पे भी आप ये देख पा रहे होंगे गेट न्यूज़ एंड स्पेशल ऑफर्स, इसको जो अगर आप ऑन कर देंगे तो गैलेक्सी स्टोर के सारे नोटिफिकेशंस अपडेट्स या जो भी न्यूज़ होगी, कोई भी फ़ोन न्यू लॉन्च होता है सैमसंग का, तो वो सारे आपको न्यूज़ ये होम स्क्रीन पर ही दिखाएगा, तो इसको भी आपको यहाँ से ऑफ कर लेना है। तो ये दो माइनर सी सेटिंग है जिनको आपको फ़ोन में सैमसंग की डिवाइस में ज़रूर कर लेना है, क्योंकि मैंने ये अपने फ़ोन में किया है और मुझे इसका जो है रिजल्ट दिखाई दिया है, तो इसीलिए मैं आपको ये सेटिंग्स बता रहा हूँ। और बाकी दूसरी सेटिंग्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे, डिवाइस केयर पे जाएंगे, तो डिवाइस केयर पे जाते ही आपको यहाँ पे बैटरी सेक्शन पे जाता है, बैटरी एंड डिवाइस केयर, बैटरी एंड डिवाइस केयर पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे पहला सेक्शन आ रहा है बैटरी, तो बैटरी को आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैकग्राउंड एंड यूजेस लिमिट्स इस पे जाना है। तो इसको क्लिक करने पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक सेटिंग सेव कर रखी है, पुट अनयूज्ड ऐप्स टू स्लीप, इसको दोस्तों आपको ऑन रखना है। तो क्या होता है कि कुछ ऐप्स हम नहीं भी यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, तो ऑलरेडी फ़ोन जो है सेंस कर लेगा और उन ऐप्स को जो है वो स्लीप मोड पर पहुँचा देगा, तो इसको आपको ऑन कर लेना है दोस्तों। ये एक बहुत अच्छी सेटिंग है बैटरी इम्प्रूवमेंट करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे स्लीपिंग एप्स पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने अपने जरूरत के 6 एप्लीकेशंस स्लीप मोड पर लगा रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने फोन के किसी भी ऐप को स्लीप मोड पे लगा सकते हैं, उसके लिए आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके फोन के सारे ही ऐप्स आपको नजर आ जाएंगे, उनमें से किसी भी ऐप को आप यहाँ से स्लीप मोड पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है स्लीपिंग मोड वर्क करता है। बाकी दोस्तों डीप स्लीप ऐप्स जो है, यहाँ पर भी मैंने कुछ ऐप्स यूज कर रखे हैं जहाँ पर इन ऐप्स का कभी कभी यूज होता है। जैसे मैं आपको बताऊं RTO का ये ऐप है, आप कहीं बाहर जा रहे हो या फिर गाड़ी की कोई भी डिटेल आपको देखनी है तभी ये जो है जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको मैंने डीप स्लीप पे सेलेक्ट कर रखा है। तो ऐसे कुछ ऐप्स होते हैं जिनका हम यूज टाइम टू टाइम या 2-3 महीने में कभी कभी यूज होना होता है, तो उन ऐप्स को मैंने डीप स्लीप ऐप्स पे सेलेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों निश्चित तौर पर यदि आपके पास सैमसंग का डिवाइस है और आप ये सारी सेटिंग्स कर लेंगे तो आपके फोन की बैटरी जरूर इंप्रूवमेंट होगी। तो दोस्तों बस ये था आज की इस वीडियो में, जहां पर दोस्तों मैंने सैमसंग की डिवाइस में बैटरी को कैसे इंक्रीज किया जाए, बैटरी को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, बैटरी को कैसे हमें लॉन्ग लाइफ तक रन करना है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू कॉन्टेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।